अब किसी को नहीं छोड़ोगी, किसी को नहीं छोड़ोगी, सबको मार दूंगी, मार डाला, सबको मार डालूंगी, सबको मार। पीछे कुछ पार्ट्स देख रहे हो, फ्रैंकलिन के परिवार के पीछे यार एक चुड़ैल लग चुकी है, खतरनाक चुड़ैल, और वो यार फ्रैंकलिन के घर पे भी कब्जा कर रखा है। फ्रैंकलिन यार काफी दिनों से अपने घर से दूर रह रहा है, क्योंकि यार जब भी वो जाता है या माइकल भी जाता है तो भाई वो चुड़ैल अपने कर्तव्य करने लग जाती है। जानना था कि भाई ये चुड़ैल लिटरली है कौन, क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, तो फ्रैंकलिन चले गए खूनी हैवे वाले बाबा के पास। अब वहां पे जाकर के पता चला कि गाइस ये चुड़ैल के साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई थी, चुड़ैल को किस टाइम पहले कुछ प्रॉपर्टी के चक्कर में रिश्तेदार ने ही उसको दफना दिया था, इसलिए वो हर लोगों पे ऐसे राज करती है और वो प्रॉपर्टी को हड़प लेती है। तो गाइस बाबा ने गाइस यार ये सजेशन दिया है कि अगर फ्रैंकलिन उस चुड़ैल के जो चार कातिल हैं, उसके जो रिश्तेदार, उनको पकड़ करके ले आएगा और उनको मार देगा, वो इस मेंशन को खाली छोड़ देगी। तो गाइस देखते हैं कि यार वो मेंशन को कैसे खाली छोड़ती है, आज फ्रैंकलिन करता क्या है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है पीएसएस गेमर की नई वीडियो में। आप लोग सोच रहे हो कि फ्रैंकलिन भाई आप इधर क्यों आ गए हो, इधर से क्यों कर रहे हो भाई अपना इंट्रो, ये तो वही डरावना खूनी भयंकर मेंशन है, इस मेंशन के अंदर तो वो चुड़ैल की आत्मा बसी पड़ी है। हाँ गाइज, आई नो आप लोग कह रहे होगे, लेकिन गाइज आज मैं डेयरिंग बंदा बन करके आ चुका हूँ। बाबा ने मेरे को कवच दे रखा था, जिस वजह से मुझे कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैं बाबा की हेल्प से मैं इधर आ गया हूँ। अब मुझे भूतनी से एक बार बात करनी है कि कौन लोग थे जिसने इसके साथ ऐसा हरकतें करी और भूतनी को, मतलब इस औरत को दफनाया गया था। तो मेरे को एक बार जाके मेंशन में बात करनी पड़ेगी उस चुड़ैल से, है ना, कि पता चल जाए, और मैं चाहता हूँ कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, मुझे ये भी पता चलना चाहिए, है ना, कि वो मारना उसे खुद मारना चाहती है या मैं मार कर ले। ओ, ये कौन है भाई, डरा दिया। फ्रैंकलिन सर, अंदर घर में चुड़ैल है। तो तुम लोग आए क्यों सालों, मैंने मना किया था ना, तू घर में वापस से क्यों आया, मैंने मना किया था ना। अरे 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 ओ भाई, ये तो ऊपर चढ़ रखी है, मैं मार डालूंगी, मैं बता रही हूँ ना, सॉरी मेरे को गलती हो गई, माफ कर दो, मैं मार डालूंगी, तुझे समझ नहीं आती है क्या, राम क्या और तेरे को, नहीं मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे पता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके रिश्तेदारों ने छीनी थी, और मैं और आपको किसी कातिल ने आपको दफनाया गया था, मैं उन कातिलों को पकड़ के जरूर लेकर के आऊंगा आपके सामने। क्या क्या, मेरे कातिल को तुम पकड़ के लाओगे, मुझे उनको मारना है जान से, उन लोगों ने मेरे पापा की प्रॉपर्टी छीनी और मेरे को दफना दिया गया, मेरे को दफना दिया गया। फ्रैंकलिन भैया, इसकी वॉइस में तो बड़ा वो है, दुख है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, सबको मारा गया था इन लड़कों ने, चार लड़के थे वो। क्या, तुम्हारे चार कजन थे? हाँ, वो चार कजनों ने मारा था, चार कजन थे वो, उन्होंने मारा है। अरे अरे अरे, देखो मैं तुम्हारा बदला लूंगा, मैं उनको तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, मरता हुआ या जिंदा। नहीं, मुझे जिंदा चाहिए वो, क्योंकि मैं उन्हें खुद अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, मुझे जिंदा चाहिए। तो देखो शर्त है ना, क्योंकि अगर मैं उनको ले आया तो तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन वो दिखते कैसे हैं? मुझे नहीं पता, वो मैं उनकी शक्ल भूल गई, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ कुछ साल पहले ऐसा किया था। तुम्हें किसने बताया? मुझे किसी ने भी बताया हो, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ बस। लॉस सेंटोस में गाइस अंधेरा हो चुका है, तो अभी मैं जल्दी से चलता हूँ। फ्रैंकलिन भैया किधर? कब्रिस्तान की तरफ। कब्रिस्तान? हाँ भाई शिनचैन, कब्रिस्तान की तरफ, क्योंकि कब्रिस्तान में इसको दफनाया गया था ना। हाँ, तभी ये डरती है ये चुड़ैल कब्रिस्तान से। हाँ भाई हाँ, चलो भाई जल्दी से चलते हैं। बाबा आता भैया, जल्दी चलो भाई। ओके सो गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम लोग अभी कब्रिस्तान के पास निकलते हैं। और भाई ये डेंजर मंजर है बहुत ज्यादा ही, लेकिन कोई नहीं, आप अपना हमारा साथ दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग यार उस रेखा धाम है इसका गाइस, है ना, मेरे को बाबा ने ही बताया था, इसने ही बताया था। तो गाइस कैसे ना कैसे करके उससे आत्मा से बचकर आए हैं भाई, आत्मा से बात करते टाइम ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिनचैन फ्रैंकलिन भैया, वो तो है ही ना, देखो यार बाहर की तरह ट्रैफिक है। ए सर, किधर जा रहे हो? अरे भाई मैं इधर जा रहा हूँ यार, यहाँ पे कब्रिस्तान में। तुम दिन लोग दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अरे भाई, अरे फ्रैंकलिन भैया इधर क्यों आए हो? इधर आया हूँ भाई कब्रिस्तान में भाई शिनचैन, क्योंकि फ्रैंकलिन सर आप आ गए। पुलिस ऑफिसर, अरे हमारे पुलिस ऑफिसर इधर क्या कर रहे हैं? अरे हाँ फ्रैंकलिन सर, आ गए आप? हाँ मैं आ गया हूँ। पता चला क्या? हाँ सर, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया हमें। अच्छा, पूरी देख ली? हाँ सर, सीसीटीवी कैमरा में हमने देख लिया है। और सर, उस लड़की को इधर दफनाया गया था। क्या? हाँ सर, यही जगह है सर, इधर ही दफनाया गया था। उन लोगों की शक्ल पता चली? नहीं सर, शक्ल नहीं पता चली, पर उनके शरीर का हाव भाव जरूर पता चल गया हम लोगों को। अच्छा, मुझे उन चार जनों का जल्दी से मुझे पता करके दो, उनकी शक्ल पूरी डिट्टो मिलनी चाहिए।
सर आप ऐसा करिए, आप जाइए घर पे सोइए, सुबह तक हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोशिश नहीं करनी भाई, कोशिश नहीं करनी। ठीक है सर, हम आपको ढूंढ के ही देंगे उनकी चेहरा, आप चिंता मत करो। हाँ भाई हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज ले जाओ सर, हम बस निकल रहे हैं 5-10 मिनट में। ठीक है ठीक है। फ्रैंकली भैया बहुत डेयरिंग है यार, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कब्रिस्तान में भी आ गए। सॉरी भाई सॉरी। फ्रैंकली सर क्या कर रहे हो, हम आपका काम कर रहे हो और आप ऐसा कर रहे हो। अरे यार आई एम रियली सॉरी यार, रियली सॉरी, गलती हो गई यार। फ्रैंकली भैया इनको पार्टी दे देना अगर ये केस निपट गया तो। हाँ भाई हाँ, ये केस गाइज, ये केस ना अब केस ही बन गया है गाइज। लगता है भाई उसको जो चुड़ैल को जिसने मारा था ना, मतलब आत्माओं को जिसने मारा था भाई, उसे क्या ही लग रहा था शिनचैन, उसे लग रहा था कि हम लोग ने मार दिया है, दफना दिया है और ये किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ भाई हाँ, कैसे नहीं पता चलेगा, अब तो पता चल गया ना। ओके सो गाइज, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम पहुँचते घर की तरफ। हाँ तो गाइस सुबह हो गई है, शिनचैन हमारी पिंचर रेडी हो तुम लोग? अरे हाँ फ्रैंकली भैया आप आता बिल्कुल पूरा और रेडी हैं। हाँ गाइस, तो गाइस अब यार अब उस क्या बोलते हैं आत्मा का बदला लेना हमें पड़ेगा। अरे फ्रैंकली भैया मैं तो बहुत बुरा घायल कर दूंगा। घायल तो कर देंगे लेकिन यार अभी हमें उन लोगों को खोजना पड़ेगा। अरे हाँ फ्रैंकली भैया खोजना तो पड़ेगा यार, अब तो ये चीज तो है भाई, खोजना तो पड़ता ही है। हाँ तो भाई शिनचैन चिंता मत कर भाई, हम लोग कुछ करते हैं। बाकी ऑडियंस आप सभी लोग यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम लोगों पर सपोर्ट बनाए रखो। देखा ना गाइस लास्ट एपिसोड पर, मतलब लास्ट एपिसोड नहीं मतलब रात के टाइम हम गए थे। अरे हाँ यार रात के टाइम हम गए थे और उस भूतरी की जो दर्द था ना फ्रैंकली भैया, आई कैन फील हर पेन। मतलब यार बेचारी को मरने के बाद भी शांति नहीं मिली और ऊपर से तभी वो अशांत घूम रही है, इसलिए वो लोगों को परेशान कर रही है। और गाइस हम लोग क्या गलत समझ रहे थे, चलो यार कोई नहीं यार, आज हम उस आत्मा की हेल्प करेंगे, हम पुलिस होने का फर्ज निभाते हैं और सारी पब्लिक की हेल्प करते हैं। गाइस अब हम उसकी आत्मा की हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, शिनचैन चलें। अरे हाँ रेडी रेडी रेडी। ओके तो गाइस चलो यार, अब उन लोगों का ना मुझे बस एक बार एड्रेस मिल जाए जल्दी तरीके से, क्योंकि मेरे को ना ये पुलिस सिक्योरिटी ही एड्रेस बताएगी। तो जल्दी से मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और वहाँ पर पूछता हूँ कि भाई क्या स्टेटस है, कुछ पता चला क्या उनके कातिलों के बारे में, कि किसने यहाँ पर मर्डर वर्डर किया था। है ना भाई, तो जल्दी से पहुँचते हैं, फ़ोन करके बोलो ना। नहीं नहीं यार आप जा ही रहे हैं तो जा ही लेते हैं, नहीं होगा तो भाई फिर हम ढूंढेंगे फिर अपने आप ही। हाँ फ्रैंकली भैया ये बात तो ठीक है, तो चलो भाई चलो जल्दी से चलते हैं। बाकी ऑडियंस आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये पहुंच गए क्या? पहुंचने वाले हैं शिनचैन, बस पहुंचने वाले हैं गाइस। अब यह बहुत ज्यादा इंटेंस हो रहा है भाई सब कुछ मामला। अरे हाँ फ्रैंकली भैया यार बहुत ज्यादा डरावनी वाइब तो है यार। कोई नहीं यार शिनचैन, अब डरने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा हमारे को कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगी। अरे हाँ बाबा जी का कवच हमने पहन रखा है। फ्रैंकली सर कैसे हो? गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम सब लोग? सर गुड मॉर्निंग सर, हिमावरी पिंच सर गुड मॉर्निंग, बाप आपका फ्रैंकलिन जा करके जो काम की चीज है वो देख, गुड मॉर्निंग तो चलती रहेगी। अरे तो कल सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में मिला क्या? सर जी वो फुटेज ना क्लियर नहीं आ रही थी, आपको तो मैंने बताया ही था। हाँ फुटेज क्लियर नहीं थी फिर तो सर मैंने वो फोटो ना उन लोगों की करंट फोटो निकलवाई है। आगे क्या? हाँ सर आगे देखिए, कहाँ पे वो, कहाँ पे? सर ये चार लोग हैं, सर ये चार लोगों ने बदमाशी कर रखी, ये है सर। अच्छा तो ये चार लोग हैं, दिखाओ दिखाओ मैं भी देखूं। ये देख शिनचैन ये चार लोग हैं। फ्रैंकली भैया इन लोगों ने क्या? हाँ सर ये उस आत्मा के जो रिश्तेदार थे ना जिनने उसे गाड़ा है सर, ये वो ही लोग हैं। ठीक है सर यही सब हैं। इनका एड्रेस पता चला क्या कुछ? सर ये लोगों का ना एड्रेस कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सर अभी पाया गया है कि यार ये ना, आपको मैं लोकेशन भेज देता हूँ, ये उस जगह पे पाए गए हैं, वहाँ पे थोड़ा लोहे का काम होता है। अच्छा ये सब लोग सर उसी जगह पे पाए गए हैं, और जो लड़की का जो वो जो आत्मा जो लड़की जो है उसका जो मेंशन है ना, हाँ 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 उसके मेंशन में भी मिल सकते हैं ये। तो ऐसा करता हूँ ना वो लड़की के मेंशन में ही जाता हूँ मैं सबसे पहले। हाँ सर वो मेंशन में जाइए जो हड़पा गया था। अरे हाँ यार चलो भाई, जो मेंशन मतलब प्रॉपर्टी हड़पी गई थी ना उस लड़की की, तो उस वाले मेंशन में चलते। बाबा भाई सब मिल गए क्या वो लोग? हाँ दिख तो गए हैं चौपो। तो चल भाई सब, किस बात की देरी, किसी बात की देरी ना, चलते जल्दी से। अपने ताऊ की लड़की को मारा है और हमने तो ताऊ को भी दफनाया था, जब से सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गई। लोग कहते हैं कि आत्मा आकर के तंग करती है, हमें तो किसी ने तंग नहीं किया, चैन से जी रहे हैं। ताऊ को मारा, ताई को मारा और अच्छी तरीके से उसकी बेटी को भी मार दिया। अब जिस चक्कर में अब कोई भी व्यक्ति हम लोगों को छेड़ ही नहीं सकता। अरे भाई, अरे हाँ भाई हम सही है भाई हम लोग। अरे यार हमारे पापा भी यार क्या क्या करके ऐसी तैसी हो गई उनकी, लेकिन ताऊ ने ये प्रॉपर्टी हमारे नाम करी नहीं। और क्या, फिर हड़पने का यही तो रास्ता था। मेरे पापा लास्ट टाइम बोलते हुए गए थे कि हड़पने का यही रास्ता। सर ये जिंदगी ना तू अकेला नहीं जी रहा है, हम लोग भी तेरे साथ है। देख जॉगिंग हो रही है, जॉगिंग भाई पूरा दिन यार हम लोग
लोग ताऊ से बोलते रहे, ताऊ ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, हमारे नाम कर दो, लेकिन वो करते ही नहीं थे। अब देख ये सही हिसाब हो गया। और क्या भाई और क्या, काले धंधे काले काम, काले काम काले काम। देख रहे हो गाइस कितने क्रिमिनल है भाई साहब, चाचा ताऊ में ऐसे झगड़े हुए कि बच्चों तक बात आई और बच्चों ने बच्चे को मार दिया। मतलब यार क्या अलग ही बात हो गई है। तो गाइस देख रहे हो और कितना खुश हो रखे हैं ये लोग, इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि इन लोगों ने क्या खतरनाक कर दिया और अब इनके साथ क्या होने वाला है। को लगा शिनचैन ये शांति से यार किसी को मार देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, मरते दम तक याद इंसान याद रखता है, और मरने के बाद देखो अब यार हमें उस आत्मा को ना हम सहारा मिल गए हैं, नहीं तो कितनी आत्माओं को ऐसे मारा गया होगा, दफनाया गया होगा। हाँ भाई हाँ शिनचैन, सीसीटीवी फुटेज में तो गाइस कब्रिस्तान में कल मिला नहीं कुछ भी, लेकिन गाइस कब्रिस्तान था वो। अरे हाँ कब्रिस्तान में कुछ मिला नहीं, लेकिन फ्रैंकलिन भैया अब यार उसमें तो मिल ही जाएगा। हाँ भाई हाँ अब तो मिल ही गए हैं, ये बंदों का एड्रेस तो मिल ही गया। तो गाइस हम लोग पहुँचते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस आप लोगों की डिमांड पे बना रहे हैं तो यार इतना तो बनता ही है यार, सब्सक्राइब तो करी तो चैनल को जल्दी से। फ्रैंकलिन भैया पहुंच गए क्या? हाँ शिनचैन पहुंचने वाले हैं भाई, चिंता मत कर यार पहुंचने वाले हैं। फ्रैंकलिन भैया मुझे इतनी खुंदक आ रही है कि सालों को जान से मार दूंगा, ये तो माइकल भैया का इलाका है। माइकल भाई के इलाके के पास ही तो है, कौन सा है वो मेंशन? अरे फ्रैंकलिन भैया कौन सा है यार? इधर ही आसपास है वो मेंशन, ये पीछे वाला मेंशन है, ये था उसके मतलब ताऊ का जो मेंशन जो इन्होंने हड़पा है, अरे मतलब उसके जो लड़की के माँ बाप का, हाँ हाँ रेखा के मम्मी पापा का जो मेंशन था जो चाचा ताऊ के बच्चों ने हड़पा है, अरे मतलब चाचा के बच्चों ने, हाँ हाँ चाचा के बच्चों ने। ओके सो गाइस पहुँचने वाले हैं, यही है क्या? अरे हाँ यही है फ्रैंकलिन भैया। अरे रुक जाओ भाई यार, एक तो गाड़ी इतनी स्लिप हो रही है ना गाइस यार, चलो भाई उतर के चलते हैं, उतर के क्या गाड़ी बाड़ो ना अंदर अच्छी तरीके से। हाँ भाई ये सही किया भाई, गाड़ी बाड़ देते हैं अच्छी तरीके से, अभी बताता हूँ मैं, है ना। खुल जा भाई खुल जा। अरे अरे ये कौन है, कौन हो तुम, कौन हो? फ्रैंकलिन नाम है मेरा। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए बताओ? अबे ओ ये तो नशे में है शिनचैन, नशे में है। क्या बताओ क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए बताओ जल्दी से। अरे क्या दिक्कत है हमसे? सालो हराम जादो तुमने रेखा को जानते हो? सर 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 रेखा, रेखा के बारे में आपको कैसे पता चला? कौन है रेखा बता? सर सच बता नहीं तो गोली उड़ाऊंगा। सर मैं बता रहा हूँ रेखा को हमने मारा था जान से। क्यों मारा था? क्योंकि सर वो ये प्रॉपर्टी सारी हमारे ताऊ की थी, ताऊ ताई चले गए लेकिन, और मेरे पापा भी, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हो पाई, इसलिए हमने उस लड़की को मारा जिससे ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। ले सालो तुम लोगों की ऐसी की तैसी इनके चक्कर में। अरे फ्रैंकलिन भैया मारो ना इनको। हाँ भाई हाँ मारेंगे भाई मारेंगे, तू चौप तू संभाल बात सब, मैं बिल्कुल संभालूंगा। और कहाँ पे और कहाँ पे इनकी ऐसी की तैसी, ये है ना। किसने मारा? अरे फ्रैंकलिन सर, फ्रैंकलिन गलत कर रहे हो तुम, अभी बताता हूँ मैं तुम लोगों को क्या गलत चल रहा है। कहाँ पर है टकले साले हराम खोरो, बाहर निकल गया चुपचाप से। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या करने वाले हो? रुक जा एक सेकंड अभी बताता हूँ। अरे मारो मत जान से। क्यों? अरे यार फ्रैंकलिन भैया उसको दिखाना भी तो है उस भूतनी को। हाँ हाँ रेखा को दिखाना भी तो है कि मतलब भूतनी नहीं मतलब आत्मा को, रेखा को दिखाना भी तो है कि गाइस हम लोग किसको। शिनचैन हट जाओ हिमावरी पिनचैन। अरे हट रहे फ्रैंकलिन भैया, बात नहीं सोची कि उस लड़की पे क्या बीती होगी और इन लोगों ने जाके कब्रिस्तान में गाड़ दिया उसको। अरे फ्रैंकलिन भैया वही किया, गलत किया, देखा 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 मारो सबको। हाँ भाई हाँ शिनचैन क्या हो गया? गाड़ी में बैठा सबको, घायल अवस्था में ही बैठाओ सबको गाड़ी में, और जल्दी से हमें रेखा के पास लेकर के चलना पड़ेगा। रेखा को इधर ही बुला लो ना, पागल है क्या, कोई फोन कॉल थोड़ी ना आत्मा के साथ। अरे यार हाँ फ्रैंकलिन भैया चलो चलते, छोड़ दो हमें छोड़ दो, कहाँ लेकर जा रहे हो, गलती हो गई माफ कर दो। गलती? कितनी बड़ी गलती? तुमने अपनी चाचा की बेटी मतलब ताऊ की बेटी को तुमने यार जब जान से मार दिया तुमने, और वो भी जिंदा, जिंदा गाड़ा इन्होंने जिंदा। हाँ तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? सॉरी गलती हो गई, हम लोग लालच में पागल हो गए थे। अभी पागल तो मैं करता हूँ, तुम्हें पता भी है ना मैं किधर लेके चल रहा हूँ तुम्हें। किधर? तुम लोगों ने मत करो प्लीज, तुम लोगों ने जो वो रेखा है ना रेखा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ये सब कि हम लोग खूनी हैं और हम लोगों ने ये सब किया? सीसीटीवी कैमरा तो उस दिन हमने मतलब अच्छी तरीके से, हम लोग मुंह ढक के आए थे, मुंह ढक के आए थे ना, तो पुलिस के चंगुल से थोड़ी बच पाओगे, मतलब क्योंकि ये स्टोरी हमें पता चल रखी है। पर ये स्टोरी तुम लोगों को कैसे पता है, कैसे पता है फ्रैंकलिन? मुझे ये इसलिए पता है, कैसे पता जल्दी बताओ, इसलिए पता है क्योंकि ये मुझे खुद रेखा ने बताई है। रेखा? रेखा को तो पर हमने गाड़ रख मार दिया था। मार दिया था ना, तो रेखा की आत्मा तो बताएगी ना, शरीर मर गया आत्मा तो जीवित है ना। इसका मतलब तुम हमें रेखा की आत्मा के पास लेके जा रहे हो? और क्या, सही पकड़े हैं। अरे हाँ रेखा की आत्मा के पास जाओगे सालो, तुम लोगों के जो गलत काम किया है ना, अब रेखा ही बदल
डालेगी। नहीं 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 नहीं, मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है, माफ कर दो, उसको हमने बहुत बेरहमी से मारा था, वो हमारे साथ बहुत गलत करेगी। कोई बात नहीं, उसे करने दो, उसका पूरा हक है तुम्हारे साथ गलत करने का, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। इनको तो खुली छूट है गाइस, यार इनको बहुत बुरी तरीके से जान से मारा जाएगा। इस माफ कर दो, मत ले जाओ, वो बड़ी खतरनाक हो गई होगी, हमने उसे बहुत बेरहमी से मारा था। तो क्या हो गया, अब तुम्हारा भी अंत ही आ गया। अरे आप ही मार देते अगर आपको मारना था तो। अरे हाँ, हम मार देते जिससे वो भूतनी पे रंप चट्टी नहीं, अब उसको रेखा को तुम्हें ही बदला लेना था। यही आवाज कहाँ से आई है? ये वही रेखा की आवाज है जिसको तुमने कई सालों पहले दफना दिया था। नहीं, माफ कर दो। लेके आ गए। अरे भाई साहब, ये रेखा तो कुछ ज्यादा गुस्से में है भाई। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये तो काफी खतरनाक है। रेखा, मैं तुम्हारे खूनियों को लेकर के आ चुका हूँ। रेखा, मैं तुम्हारे सामने इन्हें प्रकट करता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं। अरे रेखा, तुम जल्दी से आओ। आज शिंचन लेकर के इन लोगों को। हाँ फ्रैंकलिन भैया, माफ कर दो फ्रैंकलिन सर। मैं नहीं करूंगा, जो भी करेगी अब वो ही करेगी, ठीक है ना फ्रैंकलिन भैया? अब तो दूर ही है। आ जाओ रेखा, जल्दी आ जाओ, मैंने बोला आ जाओ, चिंता मत करो। आई, मैं आई, दो मिनट में मैं इनको नहीं छोड़ने वाली, नहीं छोड़ने वाली। कितनी खतरनाक आवाज है ये रेखा, रेखा। छोड़ूंगी नहीं मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। अरे रेखा भाई, ये तो बहुत डेंजर है शिंचन, फ्रैंकलिन भैया आने दो उसे। किसी को नहीं छोड़ोगी, सबको मार डालूंगी। फ्रैंकलिन, अब मैं तुम्हारा मेंशन छोड़ रही हूँ, धन्यवाद। शिंचन, हमारा मेंशन मुक्त हो गया। हेड़ा साला, तुम लोगों को तो सही मारा भाई। अरे यार, हमारा मेंशन मुक्त हो गया भाई। अरे वो खुद बोल के गई रहेगा कि भाई हमारा मेंशन अब फ्री है भाई। फ्रैंकलिन सर, क्या हो रहा था ये सब? अरे यार, खतरनाक हिसाब किताब था गाइस। हम लोग इसका मतलब कल अपने मेंशन में वापस हो सकते हैं। अरे फ्रैंकलिन भाई, मजा आ गया। हाँ, अब तो डेंजर वाइब भी नहीं आ रही भाई, अब तो नॉर्मल ही वाइब है। अरे यार गाइस, डेंजर वाइब अलग ही पता चलती थी, अब तो मेंशन पूरा अपना नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। और हाँ भाई, अब तो घूमने में डर भी नहीं लग रहा। ओके, सो गाइस, ये थी हमारा काम जो कि हमने कर दिखाया। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी होगी। वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ये इनको तो ऐसे ही मानना चाहिए था। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।